रतलाम रेलवे बोर्ड मंडल रेल प्रबंधक के डीआरएम आरएन सुनकर को राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्री राजभाषा रजक पदक से सम्मानित किया गया। बता दें कि राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए रेल प्रबंधक डीआरएम आरएन सुनकर द्वारा मार्गदर्शिका के साथ एक प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसके लिए उन्हें राजभाषा रजत पदक से सम्मानित किया गया है। इसके पहले भी आरएन सुनकर को सौंदर्यीकरण और स्वच्छता अभियान के लिए भी परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हम लोगों का देखिए जो माध्यम रहा है पढ़ाई का, वैसे भी हमने तो राजभाषा भी शुरू किया था और रतलाम मंडल हमारा मध्य प्रदेश में होने के कारण से हमारी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम वैसे भी हिंदी में कराएं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे कर्मचारी भी हैं जो कि दक्षिण भारत से हैं, कुछ ईस्टर्न से हैं, पूर्व से हैं, कुछ आपके अन्य प्रदेशों से जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वो लोग भी यहाँ पर राजभाषा का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक यहाँ पर जो सबसे अलग काम किया है रतलाम मंडल में, वो है कवियों से, जो राष्ट्र कवि हैं हमारे, उनके द्वारा की गई रचनाओं से प्रेरणा लेकर कार्य करने का। उससे हमें दो फायदे हो गए, एक तो आप राजभाषा के प्रति सजग हो गए, राजभाषा का ज्ञान हो गया, दूसरा उन्होंने जो अपने कविताओं के माध्यम से आपको संदेश दिया कार्य करने के लिए, आपको विपरीत परिस्थितियों में नहीं घबराने के लिए, आपको किस प्रकार से सबको लेकर समन्वय बनाकर चलने के लिए, हमें कोई भी काम अगर कठिन से कठिन क्यों ना हो उसको कैसे करना है, ये सारी प्रेरणाओं अपने जो राष्ट्र कवियों की कविताएं हैं उन संग्रहों में मिलता है। तो हमने एक ये विशेष रूप से पहल चलाई थी कि सभी इस तरह के कवियों की कविताओं का संग्रह बनाकर हमारे जितने भी कार्यालय हैं उन सब में हम लगाएं, और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ज़्यादातर हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने हिंदी में काम किया, साथ ही साथ जो संदेश था उसकी वजह से इन लोगों ने सभी जो हमारे सहभागी हमारे यात्रियों के लिए भी और हमारे जो स्टाफ है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक हुए। जैसे आपको बता रहे हैं कई कई जगह आप देखेंगे चौपाई है, दोहा है, इनमें इतने अच्छे अच्छे मार्मिक संदर्भ आते हैं, तो हमने क्या किया है कि ऐसे चीज़ों को लाकर रखा है। इसी तरह से वातावरण के लिए हमने पर्यावरण के लिए जो भी संदेश राष्ट्रभाषा में हिंदी में उपलब्ध हैं उनको भी हमने फ़ोटो के साथ बना करके सब जगह स्टेशनों में लगाया। तो एक तरह से क्या हुआ कि राजभाषा का भी प्रचार हुआ और साथ ही साथ पर्यावरण के साथ भी हुआ। स्वच्छता के जितने भी नारे हमारे लगे हुए हैं आप देखेंगे स्टेशन पे, हम लोगों ने जगह जगह पर हिंदी के राजभाषा के नारे लगा रखे हैं और सारे के इसी तरह से कविताओं को भी हमने स्टेशन पे लगा के रखा हुआ है कि कोई भी यात्री अगर वहाँ से निकलते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो देख सकते हैं, समय बिता सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी नगर कार्यान्वयन समिति की बैठक भी होती है उसमें भी मंडल एक प्रमुख है, हम लोग उसके लिए यहाँ सभी मीटिंग करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मंडल में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हिंदी में हो। प्रयास किया गया, पिछले बार हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। हमारे पास जो टेबल कैलेंडर हैं आप देखें, इनको अगर पढ़ेंगे, इन टेबल कैलेंडर को देख करके भी आप कह सकते हैं ये सब चीज़ें इस तरह की लिखी हुई हैं। जैसे आपका दोहा है, दीन सबन को लगते हैं, दीन ही लखे इन कोई, जो रही में दीन ही लखे दीन बंधु सबको, ये एक प्रेरणा बनती है। तो एक तो इससे फ़ायदा हो गया कि आपको राजभाषा में आप काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये संदेश आपके मन में बैठ रहा है, कार्य के प्रति आपको लगन बैठा रहा है। इसी तरह से आप देखें कवियों का, कहो नहीं करके दिखलाओ, आपको मतलब ये प्रेरणा है कि आप कहिए पर मत करके दिखाइए। इसी तरह से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस तरह की जो कविताएं हैं इनको हमने सबको संग्रहित किया और इसका हमें फ़ायदा यह हुआ है कि हमारे जो मंडल के अन्य विभाग हैं उन्होंने भी कार्य अच्छा किया और इसका फ़ायदा हुआ कि राजभाषा की तो हमें हमेशा सीट मिलती रही, दोनों साल हमें यहाँ जो है रतलाम मंडल को राजभाषा की जो शील्ड है वो मिलती रही।